हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शिवरात्रि स्पेशल क्राफ्ट बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे पुट्टी का डो लेंगे और इसकी ऐसे शेड रेडी कर लेंगे और अब हम इसे शेप देंगे। जैसे हमारी शिवलिंग का आकार रहता है ना, नीचे का हिस्सा, वैसे ही हम इसे शेप देंगे। और पानी से इसको हम स्मूथ करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पे पुट्टी डो लेंगे और ऐसे गोले गोले दो भाग रेडी करेंगे। एक हमारा नीचे का स्टैंड हो जाएगा और एक हमारी शिवलिंग रेडी हो जाएगी। अब जो हमने पहले बेस रेडी किया ना, उसमें इसको पुट्टी की हेल्प से स्टिक कर देंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ड्राई हो गया है। अब हम यहाँ पे स्टैंड स्टिक करेंगे इसकी बैक साइड। तो इसको स्टिक करने के लिए हमने पुट्टी और ग्लू का पेस्ट रेडी कर लिया है, उसी से हम इसे स्टिक कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे पुट्टी डो लेंगे और जो हमने स्टैंड रेडी किया है ना, उसके साइड साइड भी ग्लू और पुट्टी का पेस्ट लगाते हुए इसमें पुट्टी लगाएंगे और इसको अच्छे से पानी से स्मूथ करेंगे। ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे वायर लेंगे। वायर को कट करके इसके नीचे साइड से एक स्टैंड रेडी करेंगे, जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। यहाँ पे हम पुट्टी डो लेंगे और इसको कोई भी गोलाकार की चीज़ लेके उसमें लगाते हुए गोल शेप देंगे और ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने उस वायर से ये स्टैंड रेडी किया है और जो हमने बेस रेडी किया था ना गोलाकार किसी से, उससे मैंने ये मटका रेडी कर दिया है। आइए अब हम भोले बाबा की ज्वेलरी बना लेते हैं। ज्वेलरी की बात आए और भोले बाबा सर्प ना पहने, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम सर्प का आकार देते हुए इसके साइड में लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी पुट्टी डोल लेंगे और इसको ऐसे सर्प के मुख का आकार देते हुए ऐसे हम सीलिंग के ऊपर रखेंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। और बाद में हमने जो पहले वाली कॉइल रेडी की थी ना, उसमें स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टिक कर दिया है, ये शिवलिंग हमारी रेडी हो गई है। आइए अब हम इसमें कलर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। हमारी शिवलिंग रेडी है, ये देखिए, मैंने वाइट कलर से भी कर दिया है और जो हमने मटका रेडी किया था उसको मैंने गोल्डन कलर से कर दिया है। फ्रेंड्स, ये रहा इसका फाइनल लुक। अब मैं आपको इसमें धूप बत्ती ऐड करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, हमारे क्राफ्ट और आइडियाज़ थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर शंभु, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।